सो गाइस फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लिक बेट और क्लिक केबल थंबनेल के बीच का डिफरेंस और उसे कौन सा यूज करना चाहिए हमें, किसे यूज करने से ज्यादा व्यूज आते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर्स आते हैं और हमारे जो है चैनल एंगेज रहता है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। वीडियो के एंड तक आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी क्लिक बेट और क्लिक केबल थंबनेल के बारे में, और दोस्तों आपको यह भी पता लग जाएगा कि आप अपनी वीडियो में कैसा थंबनेल यूज करें, क्लिकबेट या क्लिकेबल, जिससे कि आपकी जो वीडियो है वो रैंक करे और आपकी मतलब कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आए। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल टेक्निकल इनफाइनाइट। दोस्तों यार चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह का टेक्निकल कंटेंट मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लिक बेट और क्लिकेबल थंबनेल होता क्या है। तो दोस्तों आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या होता है और कौन सा आपको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों सिंपली जो क्लिक बेट थंबनेल होता है ना, उसमें आप कोई भी जो आपके वीडियो में कंटेंट है उसे कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिख देते हो तो वो जो है क्लिक बेट थंबनेल बन जाता है। और अगर उसी का जो वैल्यूएबल कंटेंट है, जो उसके मेन पॉइंट्स है, वो आप अपने थंबनेल में लिखते हो, वो होता है क्लिकेबल थंबनेल। अब मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस बताता हूं। दोस्तों क्लिक बेट थंबनेल क्या होता है, जिसमें आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लिख देते हो। मान लीजिए अगर आप कोई अर्निंग ऐप का रिव्यू कर रहे हैं अपने वीडियोस में, तो दोस्तों आप उसमें अगर थंबनेल पे लिख देते हैं कि इस ऐप को इस्तेमाल करने से 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाइए, तो दोस्तों ये हो गया क्लिकबेट। क्योंकि आपको भी पता है कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जिससे एक महीने में काम करके आप 2 से 3 लाख रुपए कमा लोगे, लेकिन आपने थंबनेल में लिख दिया किस लिए, ताकि ऑडियंस हमारी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो, तो क्लिकबेट थंबनेल हो गया कि आपने लिख दिया कि इस ऐप को इस्तेमाल कीजिए और 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाइए। और इसी की जगह अगर आप थंबनेल में लिख देते हैं कि इस ऐप को इस्तेमाल करने से आप अपने महीने का खर्च आसानी से निकाल सकते हैं, तो दोस्तों ये बन जाता है क्लिकेबल थंबनेल जी। अब दोस्तों अगर आप इसी की जगह ये लिख देते हैं कि इस ऐप को एक महीना इस्तेमाल करने से महीने का खर्च आसानी से निकालिए, तो दोस्तों ये हो जाता है क्लिकेबल थंबनेल। जब आपने कोई चीज बड़ा चढ़ा के लिख दी वो क्लिकबेट बन गई। और अगर आप उसी को एक वैल्यूएबल कंटेंट की तरह लिखोगे कि हाँ दोस्तों अगर आपने एक महीने से ऐप को इस्तेमाल कर दिया तो आपके महीने का खर्च बड़े आराम से निकल जाएगा, तो ये हो गया आपका क्लिकेबल थंबनेल। और अगर आपने लिख दिया 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाई, ये हो गया क्लिकबेट। तो अब मैं आपको बता दूं कि क्लिकबेट थंबनेल और क्लिकेबल थंबनेल किस पे व्यूज ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों बात मानिए, स्टार्टिंग में तो क्लिकबेट थंबनेल पे व्यूज ज्यादा आते हैं, क्लिकेबल पे कम आते हैं। तो दोस्तों लेकिन आपको क्लिकेबल थंबनेल बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपनी वीडियो एक बार रैंक नहीं करानी, वो जो है हमेशा चलनी चाहिए वीडियो, हमेशा। मान लीजिए एक साल तक पड़ी है, वो 1 साल तक चलनी चाहिए, ये नहीं कि वो 1 महीने चल के बंद हो गई और 1 साल तक यूं ही पड़ी है। तो दोस्तों क्लिकेबल थंबनेल बनाइए। उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने क्लिकबेट थंबनेल बना दिया कि 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाइए, अब यूज उसे जिसने भी आपकी वीडियो देखी उसे तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि आज 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हो इससे, तो वो आपके चैनल को ना तो सब्सक्राइब करेगा और आपकी जो है ऑडियंस भी बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्लिकेबल थंबनेल बना देते हैं कि महीने का खर्च आसानी से निकालिए, तो दोस्तों आपको पता ही है इतना पैसा तो वो कमाई लेगा कि तो महीने का खर्च निकल जाए, तो वो दोस्तों आपके चैनल पर रहेगा, उसे लगेगा हाँ आपके चैनल पर जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं क्लिकेबल थंबनेल बनाइए, क्लिकबेट थंबनेल कम बनाइए। हां क्लिकबेट कर सकते हो आप अपने चैनल को थोड़ा रैंक कराने के लिए, लेकिन ज्यादा क्लिकबेट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए वहां मिल रहे हैं आपको 6000 रुपए और आपने लिख दिया 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाइए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। तो आप क्लिकेबल थंबनेल बनाइए, उससे आपके चैनल पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस बनेगी। तो दोस्तों ये थोड़ी सी सिंपल सी ट्रिक थी, तो दोस्तों ये आशा करता हूं आपको समझ आई गई होगी। तो दोस्तों क्लिकबेट और क्लिकेबल थंबनेल में अब भी कुछ अगर आपको कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और यार चैनल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह का टेक्निकल कंटेंट मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।